अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिविंग इट अप विद बीनेज। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू वाले रोल। तो आलू वाले रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आलू 8 से 9 लिए थे, लार्ज ने उबाल लिया था, 2 टीस्पून नमक डालकर छिलके उतार लिए हैं और मैं मैश करके रख लिया है। साथ में ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी रोल की पट्टी। प्याज मैंने लिया 1.5 मीडियम, छोटा छोटा चॉप करके रख लिया है। अनारदाना हम यूज़ करेंगे 1.5 टीस्पून, 2 टीस्पून सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करें 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करें 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करें 1 टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून यूज़ करें क्रश्ड सूखा धनिया, हरी मिर्चें 4 से 5 चॉप करके रख ली हैं, फ्रेश हम यूज़ करेंगे धनिया, मैंने तकरीबन 1/4 कप यूज़ किया है। ईजी सी रेसिपी है, आपने ये सब चीज़ें मिलानी है आलू में और अच्छी तरह उनको मैश कर लेना है और फिर हम इनको फिल करेंगे अपने रोल की पट्टी में। आलू में मैं सारी अपनी इंग्रेडिएंट्स कर रही हूँ ऐड। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आलू के साथ। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप एक दफ़ा इसका नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। हमारी स्पाइसी और चटपटी सी आलू की फिलिंग रेडी हो गई है और अब हम क्या करेंगे कि हम ये स्टोर बॉट में लेकर आई हुई हूँ, रोज़ की पट्टियों में भरेंगे ये आलू की फिलिंग। वैसे इसके पीछे भी लिखा होता है कि कैसे आपने इनको फोल्ड करना है, पर सबका अपना तरीका होता है, तो मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ मैं कैसे फ़ोल्ड करती हूँ। मुझे इस ब्रांड के एक्चुअली रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये थोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पियर होते हैं। सारी पट्टियाँ आप खोल लें। लेट्स स्टार्ट फिलिंग। पट्टी को आपने ऐसे रख लेना, ये कोना आपकी तरफ होना चाहिए। थोड़ी सी आपने फिलिंग लेनी है और इसको ऐसे हाथों से कर लें लंबा, सीख कबाब की स्टाइल बना के कोनों से पकड़ के ऐसे इसके ऊपर चिपका दें, फिर ऐसे लेके आएं और ऐसे रोल कर दें। पानी लगा के इसको आप ऐसे कर दें ताकि ये आपस में चिपक जाए। ये हो गया हमारा रोल रेडी। इसी तरह हम बाकी के भी करके रखेंगे। शेप, साइज और फिलिंग वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कितना डालना चाहते हो। एक और आपको दिखा देती हूँ। आपने ये कोना अपनी तरफ रखना है, ठीक है, अपनी मर्जी से फिलिंग पकड़नी है, आप जितनी भरना चाहते हो उसको बना रहा है आपने सीख कबाब स्टाइल, ठीक है। उसके बाद आपने ये कोने पकड़ने हैं, इसके ऊपर रखें, ये खुद ही चिपक जाता है आलू पे, और फिर ये वाला कॉर्नर ऐसे, ठीक है, जैसे एनवलप बनाते हैं, फिर इसको आप रोल कर दें इजीली। पहले पानी लगा दें फिर रोल कर दें, बन गया ना एक और इजी। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। तो हमारे रोल्स रेडी हो गए। इनको क्या किया था, एक क्लिंग रैप लगा के इस तरह ट्रे के ऊपर मैंने इनको ऐसे रख दिया। इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊंगी क्लिंग रैप की, इनको कर दूंगी फ्रीज। ये फ्रीज हो जाएंगे तो मैं इनको जिपलॉक में डालकर सेव कर लूंगी। जितने फ्राई करने हैं आप उनको निकालें, उनको थोड़ा सा ऑटो डिफ्रॉस्ट पे लगाएं माइक्रोवेव में, उसके बाद आप इनको करें फ्राई, या आप इनको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दें। अफ्तारी से पहले आप इनको करें फ्राई। दीज आर टोटल 25, एक पैक में 25 आता है और जो आलू हमने यूज़ किए थे वो परफेक्टली पूरे हुए हैं। हमारे चटपटे से आलू के रोल हो गए हैं रेडी और मैं इसको सर्व कर रही हूँ अपनी आलू बुखारे और खुबानी की चटनी के साथ। आप उसको भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी और आप ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू लिविंग इट अप विद बीनेश। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अदर्स। अल्लाह हाफिज़।